उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल में दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। श्रद्धालु जो बाबा का बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और भगवान महाकाल स्वयं भी श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे थे, आज उज्जैन में दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। और अब सीधे खास बात जो है कि अब सीधे दर्शन नहीं हो सकेंगे, श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में दर्शन करने के पहले प्री अनुमति उनको लेना होगी, प्री परमिशन उनको लेना पड़ेगी। और मंदिर प्रशासन ने इसके लिए दो व्यवस्थाएं की हैं, या तो आप एंड्रॉयड 8 के माध्यम से परमिशन ले सकेंगे, या इन्हें एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसके माध्यम से परमिशन ले चुके हैं, उस पर परमिशन मिलेगी और परमिशन मिलने के बाद श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुकेंगे। आज तक और एमपी तक देख रहे दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वो चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं, 1-800-233-1008। इस टोल फ्री नंबर पर बात कॉल करने पर उन्हें परमिशन मिलेगी। जिस तरह से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, आज उनकी मनोकामना पूरी हुई। मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह से दर्शन किए जा रहे हैं, महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी श्री महेश पुजारी जी हमारे बीच में, आइए उनसे जानते हैं कि क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और किस तरह से दर्शन होंगे और क्या हो रहा है अभी महाकाल मंदिर में। सबसे पहले तो सारे देश के और प्रदेश के महाकाल भक्तों को शुभकामना, महाकाल का शुभ आशीष प्राप्त हो, सब स्वस्थ और मस्त रहे। आज 78 दिन बाद इस कोरोना की महामारी के कारण भगवान महाकाल के द्वार जो बंद थे भक्तों के लिए, वो आज प्रारंभ हुए। बड़ा शुभ दिन है, दीपावली जैसा महोत्सव लग रहा है। दर्शनार्थी दर्शन करके अपने आप का धन्य मान रहे हैं। जो व्यवस्था दी है केंद्र ने और राज्य ने, उसका पालन मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा और पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्त जो हमारी नंदी हाल के पीछे एक बैरिकेड है, वहाँ से ही दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की सामग्री पर लाने पर प्रतिबंध है, केवल दर्शनार्थ एक शीश और दो हाथ यही भगवान के नमन के लिए रखे गए हैं, उससे दर्शन करें। भगवान का अपना जीवन और देश का जीवन अच्छा हो, महामारी दूर हो, ऐसे सभी भक्त भी भगवान से कामना करें। प्रतिदिन जो सेवा पूजा पुजारी के द्वारा होती थी वो अभी भी नित्य वैसे ही चलेगी। पुजारी वर्ग अपने स्थानों पे बैठकर भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे और बाकी दर्शन की जो व्यवस्था है, वीआईपी व्यवस्था टोटल बंद है, वो भी बाहर से ही दर्शन होंगे बैरिकेड के वहाँ से। लेकिन जो करीब करीब एक दिन के अंदर 2-2500 दर्शनार्थियों को दर्शन की जो अनुमति जो दी जाती है, दी जाएगी, जो यहाँ से भी प्राप्त होगी और ऐप के माध्यम से भी भक्त प्राप्त कर सकता है, उसी के अनुसार उसे प्राप्त करके एक ही द्वार से उसको प्रवेश मिलेगा और एक ही द्वार से उसको निर्गम मिलेगा। ये व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति ने की है। यहाँ के पुजारी पुरोहितों के साथ में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक भी कई मर्तबा हो चुकी थी, इसी में सारे सुझाव के अनुसार ही भक्तों के दर्शन खोले गए। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि ऐप के माध्यम से ही परमिशन होगी और केवल दिन भर में 2-2500 लोग इसमें अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। और एक खास बात और बताना चाहूँगा कि मंदिर समिति ने 3 स्लॉट तय करे हैं दर्शन के लिए, एक सुबह 8-10 है, दूसरा स्लॉट 11-2 है और तीसरा स्लॉट 4-6 है। इन स्लॉट पे ही दर्शन हो सकेंगे। निश्चित तौर पर आप देश से दुनिया से किसी को भी दर्शन करने आना है तो उसको प्री परमिशन लेना होगी और महाकाल के उन्हें दर्शन हो सकेंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन।